अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम बना रहे हैं ज़र्दा। ये हमने सेला बासमती लिया था चावल, इसको हमने 2 घंटे पहले ही वॉश करके सोक कर दिया था। अब हमने गर्म पानी किया, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। सेले को आपको पता है ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, दूसरे चावल इतनी देर नहीं होते। हमने इसमें 1 कप तकरीबन प्याज लिए पानी डाला है। अब हम इसकी शुगर सिरप बनाएंगे। इसमें अब हम जितना हमने चावल डाले हैं उतनी हमने शुगर डालते हैं, ठीक है। 1 प्याली मेरी 1.5 प्याली चावल थे तो अब 1.5 प्याली ही शुगर होगी। ये हाफ इसको हम शुगर सिरप बना लेंगे। ये हम एक सिनेमन स्टिक डालेंगे, दालचीनी से कहते हैं, और 2 इलायची डालेंगे। ये अच्छा सा रेडी हो जाएगा। ज़रा शुगर सिरप अच्छा थोड़ा सा थिक हो जाए, देन मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। देखिए अब ये हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। इसमें अब हम अपने ये वाले राइस डालेंगे जो हमने बॉईल किए थे। तेज चूल्हा रखेंगे इसको पकने के लिए, इसका पानी खुश्क हो, ठीक है। तेज चूल्हा रखेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए। देखें ये पानी बस थोड़ा सा रह गया, ये और खुश्क हो जाए। तक हम क्या करते हैं, ये अपने जो नट्स हैं ना, हम इनको फ्राई कर लेते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये भी बस हमारा पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, अब हम इसको वो लगाएंगे, दम लगाएंगे बस। ये देखें जी, अब हमारा पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अपना फूड कलर्स और नट्स। ये देखें नट्स हमने डाले हैं, ये देखें मैंने लेमन येलो कलर, ज़ाफ़रान येलो कलर और रेड कलर ऐड किया है। और ये हम इसके ऊपर बॉयल एग डाल देंगे साथ में, ठीक है। और इसको हम रख देंगे जी दम पे, जो ये हमारा थोड़ा सा ऑयल था फ्राई का, हम उसी को ही डाल देंगे दम पे। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे। अरे जी, अब हम चेक करते हैं। वाओ, ज़बरदस्त, हमारा ज़र्दा हो गया है रेडी। इसमें हमने साथ में छमछम भी डाली थी, मैं आपको बताना भूल गई थी, बाद में ऐड की थी मैंने। ये देखिए छमछम, अब हम इसको डिश आउट करते हैं।